एवरीवन, आप सबको ईद मुबारक और हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज से हम वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलते हैं उस तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जिसमें पहली टिप ये है कि आपको दो नोटबुक बनानी चाहिए, एक सेपरेट नोटबुक जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, क्वेश्चन, स्पेसिफिक जो शॉर्टकट्स होते हैं वो लिखें। इससे क्या हेल्प होती है कि जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चंस तो गो थ्रू कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिवाइज़ करनी होती है वो होती है फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स। तो उस टाइम पे ये नोटबुक बहुत हेल्प करती है। रट्टा मारना है आपको, सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, रट्टा मारना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंटस्ट होनी चाहिए, जो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, और वो क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to 30, क्यूब ऑफ नंबर्स 1 to 15, और फ्रैक्शंस, जैसे 1/2 क्या होता है 0.5, 1/3 क्या होता है 0.33, उसी तरह 1/9, 2/3, 3/4, 4/5, 8/9 तक आपको बाय हार्ट होनी ही चाहिए। एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें बाय हार्ट हैं तभी आपका कोई स्कोप है एग्ज़ाम क्लियर करने का, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। इसमें क्या होता है, हम उन नंबर्स का स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे जो 5 के साथ ख़त्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 65, 75, 85, 45, 55, 105, 115, लाइकवाइज। तो अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी कैलकुलेशंस में टाइम को सेव करने के लिए। अब 65 का स्क्वायर इज 65 into 65। तो अब इसमें क्या होता है, हमारे जो सोल्यूशन होगा वो दो हिस्सों में होगा, एक होगा लेफ्ट हैंड पार्ट, एक होगा राइट हैंड पार्ट। अब जो पहले हम देखेंगे राइट हैंड पार्ट में क्या होता है, राइट हैंड पार्ट में आपने जो 5 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 25। 65 के स्क्वायर में जो पहला पार्ट, जो राइट हैंड पार्ट आएगा, दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 into 5, दैट विल बी 25। और जो राइट हैंड पार्ट होगा वो होगा 6, और उसका जो अगला नंबर होगा 7, दैट इज 6 into 7। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट होएगा। तो आपका जो आंसर है 65 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 to 25। फिर से देखते हैं एक बार, 65 का स्क्वायर निकालना है हमने, हमने ये फार्मूला उन नंबर्स पे अप्लाई करना है, उन नंबर के स्क्वायर्स निकालने के लिए अप्लाई करना है जो 5 के साथ ख़त्म होते हैं। उस केस में क्या होता है, जैसे 65 इंटू 65 है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 into 5, दैट इज़ 25, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। देन 6 into 7, 6 सेम है और इसका जो अगला नंबर आता है वो आता है 7, देन 6 into 7 विल बी 42। तो आपका आंसर आ गया 4 to 25। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है तो 75 into 75, जो राइट हैंड पार्ट इज 5 into 5, 25, और लेफ्ट हैंड पार्ट हमारा आ गया 7 into 8, 7 का अगला नंबर आता है 8, दैट इज 56, 7 into 8, 56। तो आपका आंसर आ गया 5, 6, 2, 5। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मैंने ये लिखा है कि आपको 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट एज मच एज कि आप ये सारे आंसर्स 8 से 9 सेकंड के अंदर दे सकें। तो ये आपका एक होमवर्क है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इस कॉन्सेप्ट की, जो मैंने नंबर लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उन सब का आंसर आप 10 सेकंड के अंदर अंदर दे सकें। आप सोचें कि अगर आप 10 सेकंड के अंदर इतने आंसर दे रहे हैं तो आप पेपर में कितना टाइम सेव कर पा रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। अब हम देखते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर 5 into 5, 25, 1 into 2, 2 to 5, 25 का स्क्वायर 5 into 5, 25, 2 into 3, 6, 35 का स्क्वायर 25, एक पार्ट कॉन्स्टेंट है, और 3 into 4, 12। उसी तरह हमारे बाकी आंसर्स भी निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये आंसर निकल आते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब यही कॉन्सेप्ट हम मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए
जो दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम ये सेम फार्मूला उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 73 × 77, तो जो लास्ट डिजिट्स हों इन नंबर के, लास्ट डिजिट्स इनका सम होना चाहिए 10, 7 + 3 = 10, और जो फर्स्ट डिजिट्स हैं ये सेम होने चाहिए, उनके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो मैंने आपको बताया 73 × 77, तो 73 × 77 पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 + 7 = 10, तो अब इसमें जो हमारा राइट हैंड पार्ट होगा वो होगा 3 × 7, दैट विल बी 21, आधा आंसर आ गया आपके पास। अब बाकी आधा होगा 7 × 7 का अगला नंबर, दैट इज 56, दैट इज योर लेफ्ट हैंड पार्ट, तो आपका आंसर आया 5, 6, 2, 1। अब हम आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। ये अब कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है, जब ये हमारी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन क्या है कि लास्ट के दो डिजिट्स का सम इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, 8 + 2 = 10 आ रहा है, तो हमारा जो और 6 और 6 तो सेम ही है, तो हमारा जो पहला पार्ट बनेगा वो बनेगा 8 × 2 = 16, और अगला पार्ट बनेगा 6 × 7 दैट इज 42, तो आपका आंसर आया 4216। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 91 × 99, पहली चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है, 9 + 1 = 10, 9 सेम है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 × 9 आपका क्या होता है 9, बट जब हम ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो हमने एक चीज का ध्यान देना है कि जो राइट हैंड पार्ट होगा should always be filled with a two digit number, so that हम इस 9 को 09 में कन्वर्ट कर लेंगे, रेस्ट सेम है, 9 × 10 that will be 90, तो आपका आंसर आ गया 909 9009। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं किसी मल्टीप्लीकेशन में तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो राइट हैंड पार्ट होगा विल बी ऑफ टू डिजिट नंबर, तो हम उसको अगर वो सिंगल डिजिट आ रहा है तो हम उसको प्रीफिक्स करेंगे जीरो के साथ, तो उसको हम टू डिजिट बनाएंगे। अब फिर से वही चीज़, अब ये आपका होमवर्क है, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जो पहली एक्सरसाइज थी और जो ये वाली एक्सरसाइज है, इन टोटल 15 सेकंड्स में, वो वाली और ये वाली दोनों 15 सेकंड्स में आप आंसर निकाल सके। तो अब हम जैसे देखते हैं 72 × 78, 7 × 8 = 56, 8 × 2 = 16, अब उसी तरह 89 × 81, 8 × 9 = 72, 9 × 1 = 9, बट हम यहाँ करेंगे 09, तो इसी तरह से बाकी आंसर्स भी आप लोग निकालेंगे, 84 × 86, 7 × 2 = 4। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स की खूबसूरती क्या है। वैदिक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यू नीड नो वर्कबुक, प्रैक्टिस वर्कबुक नहीं चाहिए आपको, आप अपने क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कम से कम भी 100 से 200 क्वेश्चन खुद बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर अपना कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको तुरंत से तुरंत उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी पार्ट 2 आपको प्रोवाइड कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट।